नमस्कार दोस्तों, माय सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्कशीट 9 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, ठीक है। कक्षा 10 का और तिथि है 25/7/2020, मतलब आज की तारीख। तो एक बार इस चार्ट को भी पढ़ना जरूरी होता है। चलिए इसके पढ़ने के बाद जो इसके नीचे आंसर है फिर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रमुख घटनाएं, क्योंकि आपके पास जो बोर्ड का पेपर होगा वो इसी में से, इसी वर्कशीट में से आएंगे और आपके पास पॉइंट 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 आउट कर दिए गए हैं, ठीक है। प्रमुख घटनाएं, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों मिलकर किया था स्वराज पार्टी की स्थापना। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। लॉर्ड इरविन द्वारा 1929 में डोमिनियन स्टेट की घोषणा की गई थी। मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह शुरुआत की थी। ये बाकियों से इम्पोर्टेंट है, 1930 को साबरमती से, इनका गांधी जी का आश्रम था साबरमती में, ठीक है, यहाँ से उन्होंने नमक सत्याग्रह शुरुआत की थी और उसी को 4 मई 2030 को इसी सत्याग्रह को लेकर गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अपने 78, कई बार आता है उनके साथ कितने साथी थे तो आप कहेंगे 78 साथी थे, साथियों के साथ दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने खुद अपने साथियों के साथ मिलकर नमक आंदोलन को तोड़ा था। पहले इनके नमक पर टैक्स लगाए थे, जो अंग्रेज थे नमक पर टैक्स लगाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन में कुछ मामलों से अलग था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो असहयोग आंदोलन से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इस बार थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ गए थे हम भारतीय। इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए बल्कि उपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया, ठीक है, आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों से के सामने प्रदर्शन किया, ठीक है। नमक कानून तोड़ने का मतलब अब कोई भी समुद्र में जाके नमक वहां से ले सकता था, इससे पहले कोई भी व्यक्ति भारतीय नमक अपने आप से उठा नहीं सकता था, उस पर टैक्स लगाते थे जो एक बेसिक चीज थी। तो इसी को लेकर गांधी जी थोड़ा सा आक्रोश में थे। और विरोध के तरीके में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों के सामने पेंटिंग करना तथा उसे मतलब कलर कर दिया, उसे लगान ना देना, चौकीदारी टैक्स ना देना, वन उन्मूलन का उल्लंघन करना, पहले वनों में जो भी चरवाहे जाते थे उनसे भी टैक्स लिया जाता था। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अब वनों में हमारे जो चरवाहे थे बिना करके जा सकते थे, क्योंकि उनका हमने जो नियम थे वो तोड़ने शुरू किए थे। अब हमने सरकार ने आंदोलन को निर्ममता से कुचल दिया और काफी अंग्रेजों ने इस टाइम भारतीयों पर काफी निर्ममता से कुचल दिया था, काफी दयनीय स्थिति हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि अंग्रेज बिल्कुल भी दया भाव नहीं रखते थे भारतीयों से। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए, ठीक। ये आप बाकी भी पढ़ सकते हैं। तो मेन पॉइंट होता है आपका ये वर्कशीट पर काम करके फोटोकॉपी खींच के भेजना। गांधी जी ने नमक जैसी साधारण चीज को आंदोलन के लिए क्यों चुना? क्या आज भी नमक पर कर लगाया जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पे है, ठीक है। नमक जैसी साधारण चीज अमीर और गरीब दोनों के लिए एक जैसी थी। गांधी जी ने सोचा कि जो ये नमक कर लगा रखा है अंग्रेजों ने, अमीर व गरीब दोनों वर्ग पर अत्याचार कर रही है जो ब्रिटिश सरकार थी, और नमक कानून को तोड़कर गांधी जी अमीर व गरीब दोनों वर्गों को एक साथ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कर सकते थे। साधारण चीज थी जो अमीर और गरीब दोनों इस्तेमाल कर सकते थे और करते भी थे और आज भी करते हैं। तो इस आंदोलन के दौरान अमीर और गरीब दोनों इस आंदोलन में आ गए, ठीक। और इसमें था क्या आज भी नमक पर टैक्स लगता है? तो है नहीं। जब से देश में जीएसटी लागू हुआ है तब से नमक पर 0% टैक्स लगता है, ठीक है। इससे पहले प्रोडक्शन पर टैक्स लगता है लेकिन नमक पर 0% टैक्स हुआ है, ठीक। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने विरोध के लिए किन किन तरीकों का प्रयोग किया? तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, विरोध के तरीकों में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, शराब की दुकानों के सामने पेंटिंग करना, लगान न देना, चौकीदारी
टैक्स नहीं देगा, समझ रहे हो। चौकीदारी भी करते थे उसका अलग से टैक्स भी लेते थे, मतलब हम पे ही गुलामी, हमारी ही रखवाली और हम ही से टैक्स। चलो ये देना भी बंद कर दिया। वन कानून उल्लंघन करना, वन कानून जैसे मैंने बताया था चरवाहों को अपने जंगल में चराने के लिए भी उसे टैक्स लिया जाता था, तो वो उस का उल्लंघन किया कि उन्होंने देने से मना कर दिया, आदि शामिल थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन क्यों असफल हो गया। ठीक है, तो आगे है पृथक निर्वाचन और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर। पृथक निर्वाचन मतलब एक अलग से निर्वाचन हो, इस बात पे सहमति न हुई, और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर, कुछ अल्पसंख्यक के मुद्दे थे कि जो अल्पसंख्यक है उनका क्या होगा। ठीक है, उनमें कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, जिस वजह से गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, अस्पृश्यता कानून के लिए संघर्ष करने वाले दो प्रमुख सुधारकों के नाम लिखिए। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, आपको पता होगा कि गांधी जी इससे बिल्कुल दूर थे, कि छुआछूत ये होना ही नहीं चाहिए देश में, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो सभी को एक जैसे मानते थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो छोटी जाति से थे और ये इसी बात के लिए संघर्ष कर रहे थे, हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, और जो कि हमारे संविधान के निर्माता हैं यही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और ये भी जो अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए काफी इन्होंने योगदान दिया है। ठीक है, इसे आप नोटबुक में उतार के इसे आप सेंड कर सकते हैं, और अभी इस पे काम चल रहा है, वर्कशीट 9 इंग्लिश। ठीक है, स्टे ट्यून रहें, फिर इसको भी सॉल्व करके आपको दिया जाएगा। ठीक, थोड़ा सा हिल जा रहा है कैमरा क्योंकि अभी हम नए नए ऑनलाइन में आए हैं, तो हो जाते थोड़ा बहुत। ठीक है, माय सीबीएसई क्लास देखने के लिए धन्यवाद।